माँ, मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं और तेरे पिताजी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन माँ देखिए, मुझे और साक्षी को अकेले रहना है। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बेटा, समझ गए कि तू बड़ा हो गया है। जा बेटा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तरुण और साक्षी अपना सामान लेकर वहां से जा रहे होते हैं। पल्लवी और शंकर आंख में आंसू लिए अपने बेटे बहू को अलविदा करते हैं। तरुण और साक्षी अपने नए घर पहुंच गए। वाओ, कितना बड़ा घर है। हाँ, मेरा ऑफिस बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं सही बताऊँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। लेकिन हटाओ, मैं नहाकर आता हूँ। दोनों फ्रेश होते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। इसके बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन तरुण ऑफिस जाता है और साक्षी अपना घर का काम कर रही थी। उसी समय उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। साक्षी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। जी आप कौन? मेरा नाम मैडी है, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। मैं यहाँ पर एलएलबी की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आपके बगल में ही रूम लेकर रहती हूँ। आइए अंदर आकर बैठिए। साक्षी उसे अंदर बैठाती है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं झांसी में रहती हूँ और यहाँ पर मेरे भाई के दोस्त अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन मुझे उनके घर में रहना सही नहीं लगता। बिल्कुल सही किया तुमने, हर दिन किसी के घर में रहोगे तो तुम्हारी इज्जत भी कम होगी और पढ़ाई अच्छी चल रही है। ऐसे ही बात करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। मैडी अक्सर साक्षी के घर आया जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और संडे आ गया। तरुण बाथरूम में नहा रहा था, उसी समय मैंडी उसके घर आती है। साक्षी और मैंडी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और तभी तरुण बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी और भीगा शरीर देखकर मैंडी अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसे लगातार घूरे जा रही थी। क्या बंदा है यार, शायद इसका कोई भाई होगा। क्या हो गया मैंडी, इन्हें ऐसे क्यों घूर रही हो? कौन है ये? ये तुम्हारी चीजू है। इतना हैंडसम बंदा, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए, ना कि इस डफा के साथ। साक्षी कौन है ये? ये मेरी दोस्त है, यहाँ एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। ये भी अकेले बोर हो जाती है और मैं भी, इसलिए हम दोनों साथ में बातें करते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी दोस्त भी बन गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मेरा टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है मैंडी। मैंडी अपने घर जाती है और घर पर यही सोच रही थी कि वो कैसे तरुण को पा सके। आइडिया, आज मैं इन्हें डिनर पर इनवाइट करती हूँ, आखिरकार जमाई जी पहली बार घर आएंगे, थोड़ा धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। मैंडी डिनर में 3 लोगों का खाना बनाती है और उसी रात मैंडी साक्षी के घर जाती है। अरे मैंडी आओ, मैं आप दोनों को इनवाइट करने आई थी, आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ, तो आप दोनों डिनर पर मेरे घर चल सकते हो। हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है, हम इसे धूमधाम से मनाएंगे। मैंडी उन दोनों को अपने घर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंडी ये क्या, तुम्हारे भाई के दोस्त, वो तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आए? मैंने उन्हें बुलाया था लेकिन वो साफ मना कर गए कि वो मेरे बर्थडे पर नहीं आएंगे। अच्छा उदास मत हो, हम हैं ना। दोनों मैंडी का बर्थडे एंजॉय करते हैं। मैंडी तरुण को केक खिलाती है और बदले में तरुण भी उसे केक खिलाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तरुण जी, मेरा बर्थडे तो हो गया लेकिन गिफ्ट भी तो आप ही को देना होगा। सब साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद साक्षी तरुण अपने घर चले गए। कुछ घंटों बाद मैंडी साक्षी को कॉल करती है। उसे मालूम था कि कॉल तरुण उठाएगा क्योंकि मैंडी ने साक्षी के खाने में नींद की गोली मिला दी थी और जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ, कॉल तरुण ने उठाया। हेलो मैंडी, क्या हुआ, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया, सब ठीक तो है ना? मेरे घर में सांप घुस गया है,
मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तरुण मैंडी के घर जाता है और सांप को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं सांप नहीं मिलता। मैंने खुद देखा था, सांप यहीं पर था। खामखा आपको इतनी रात को परेशान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, उदास मत हो, लीजिए पानी पीजिए। तरुण जैसे वो पानी पीता है उसका सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें मैंडी ने नींद की गोली मिलाई थी। मैंडी उसे बेडरूम में ले जाती है और उसका अश्लील वीडियो बनाती है। अगले दिन उसे होश आता है और वो अपने आप को बिना कपड़ों में बेड में देखता है और उसके बगल में मैंडी सो रही थी। मैं यहाँ कैसे आया और तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति मान लिया है। शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगा। ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, ये देखो। मुझे सेकंड नहीं लगेगा इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालने में, और तुम्हारी बीवी तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? अब आए ना लाइन पर, मुझे 1,00,000 रुपए दो और 2 महीने तक जब मैं बुलाऊं सीधी तरह मेरे पास आ जाना। अब जाओ यहाँ से। तरुण वहाँ से चला जाता है और वो चुप चुप रहने लगा था। तरुण साक्षी से भी ज़्यादा बात नहीं करता और ऑफिस में भी उसका यही हाल था। उसे ऐसा देखकर उसके दोस्त मुकुल से रहा नहीं गया और उसने इसकी वजह पूछी। तरुण उसे सारी बात बता देता है कि कैसे मैंडी उसे ब्लैकमेल कर रही है। एक मिनट यार, ये मैंडी कहीं वो तो नहीं जो हाउस नंबर 312 में रहती है? हाँ वही 311 मेरा और 312 उसका। अरे भाई तू भी किसके जाल में फंस गया, और तू अकेला नहीं है, ये काफ़ी आदमियों को अपनी हवस का शिकार बना चुकी है और उनसे पैसे भी ठगती है। भाई कुछ करना यार, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसकी वजह से मैं उसे खो नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन इसे पकड़ने के लिए इसका ही जाल बुनना होगा। लेकिन कैसे भाई, वो बहुत स्मार्ट है, हमें पकड़ लेगी। कुछ नहीं होगा, सुनो तुम आज उसके घर जाओ और उसके साथ रोमांस करना शुरू करो। बस कोशिश करना कि वो अपने फ़ोन से दूर रहे। मैं पुलिस को लेकर आऊँगा और फ़ोन में से जो सबूत होंगे उसे दिखाकर हम उसे पकड़वा देंगे। तरुण बिल्कुल वैसे ही करता है, वो मैंडी के पास जाता है और रोमांस करना शुरू कर देता है। क्या बात है, आज बिना बुलाए ही आ गए, कहीं कुछ और प्लान तो नहीं है? नहीं, उस दिन मुझे समझ आया कि मैं असली में खुश तुम्हारे साथ हूँ, ना कि साक्षी के साथ। तरुण की ऐसी बातें सुनकर मैंडी पिघल जाती है, वो बिल्कुल तरुण में खो जाती है। मौका देखकर मुकुल पुलिस के साथ वहां आता है और मैंडी का फ़ोन लेकर पुलिस को देता है। उसमें वो सभी वीडियो थे जिससे वो तरुण को ब्लैकमेल किया करती थी। मैंडी के घर में इतनी पुलिस क्यों है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? साक्षी मैंडी के घर जाती है और देखती है कि पुलिस मैंडी को अरेस्ट करके ले जा रही है। वहां पर तरुण भी मौजूद था। ये सब क्या हो रहा है और पुलिस ने मैंडी को क्यों अरेस्ट किया है? मुकुल साक्षी को सारी बात बताता है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, या फिर आप मुझे बताने लायक नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा तुम मुझे ही गलत समझोगी। क्यों हमेशा मर्दों को ही गलत समझा जाता है? ऐसा नहीं है जी, और अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम वापस मम्मी पापा के पास जाएंगे। दोनों तुरंत ही सामान पैक करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। उन्हें घर में देखकर पल्लवी और शंकर बहुत खुश होते हैं। गुल्लकपुर नाम के एक गांव में कुछ औरतें बात करती हुई, क्या कहा, दो मॉडर्न बहू? हाँ बहन, घूंघट में दो मॉडर्न बहू लेकर आई है सुषमा बहन, तो मॉडर्न होने की हद तो तभी हो गई। मुंह दिखाई वाले दिन भी दोनों बहुओं ने जीन्स टॉप के ऊपर ही घूंघट डाल रखा था। है? जीन्स टॉप पर घूंघट? हाँ, और ताज्जुब की बात तो ये है कि किशोर भाई साहब भी वही थे। क्या कहा, किशोर भाई साहब?
छी छी छी, कम से कम दोनों नए बहुए हैं, तो ससुर का तो लिहाज करती। अरे लिहाज के तो ऐसे के तैसे कर दिन घूंघट में आई तो मॉडर्न बहुओं ने। सुबह सुबह दोनों किशोर और सुषमा बातें कर रहे थे। आज तो नई बहू की पहली रसोई है। वैसे तो मैंने दोनों सीमा करिश्मा से कह दिया है, पर क्या जीतू की माँ, पर ये कि इन मॉडर्न MBBS वाली बहुओं को कहाँ रसोई बनानी आती होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो जीतू की माँ, वो दोनों बना लेंगी, दोनों पढ़ी लिखी और समझदार है। और कुछ जरूरत से ही ज्यादा मॉडर्न भी, नई बहुओं का इस तरह से सारे दिन जींस टॉप में घूमना मेरी तो समझ नहीं आता। क्यों ना तुम भी जींस टॉप पहनने लगो। क्या आप भी ना। फिर दोनों सुषमा और किशोर हंसने लगते हैं। करिश्मा सीमा के कमरे का दरवाजा पीटते हुए, क्या हुआ दीदी? तुमने सुना ना माँ जी ने क्या कहा, आज हमारी पहली रसोई है। पर हम बनाएंगे क्या, हमें तो ऐसा कुछ आता भी नहीं है सीमा। कुछ तो सोचना पड़ेगा दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, कान इधर लाओ। करिश्मा सीमा के कान में तरकीब बताती है और दोनों बहनें काम पर लग जाती है। कितनी देर लगी करिश्मा? लाई। फिर सभी लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। अरे बाबू, सूजी का हलवा, ये सच में तुम दोनों ने ही बनाया है ना? हाँ हाँ माँ जी, सीमा करिश्मा के कान में कहते हुए। अब फटाफट ये पर्चे छुपा देते हैं। हाँ हाँ, ताकि किसी को पता ना चले। करिश्मा कैक्टस के पौधे में पानी डालते हुए, ये क्या कर रही हो करिश्मा बहू, तुम्हें पता है ना घर में कैक्टस का पौधा अशुभ होता है। सीमा करिश्मा के साथ वो पौधा लेकर जाती हुई। सीमा बहू, ये कैक्टस का पौधा लेकर कहाँ जा रही हो? बाबूजी के कमरे में रखने। क्या, जीतू के बाबूजी के कमरे में? पर क्यों? इससे कोई बीमारी आसपास नहीं आती है माँ जी, ऐसा मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था। मेरे दोनों बेटे भी अजीब मॉडर्न बहू लाए हैं। रात के समय रितेश और जितेश सीमा और करिश्मा को ढूंढते हुए, भैया आपने सीमा को देखा क्या? अरे मैं भी करिश्मा को ही ढूंढ रहा हूँ। क्या भाभी कमरे में नहीं है? नहीं पता, दोनों कहाँ चली गईं? तभी सुषमा और किशोर के कमरे से आवाज आती हुई, ये आवाज कैसी है, आइए चलकर देखते हैं। रितेश और जितेश दोनों सुषमा और किशोर के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि दोनों करिश्मा और सीमा भी वही उनके कमरे में ही होती है। माँ करिश्मा, क्या बात है आप सब यहाँ? बेटा रितु, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। बेशर्मी? जितेश, हम दोनों आज बाबूजी के पास सोना चाहते हैं। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? रितेश, जितेश, अगर तुम दोनों बाबूजी को अपना पिता समझकर उनके साथ सो सकते हो तो हम क्यों नहीं, वो हमारे भी पिता है ना? अब दोनों इतनी ही जिद कर रही हैं, तो सो जाने दो। हाँ माँ, सीमा करिश्मा वैसी नहीं है जैसा आप इन्हें समझ रही हैं। जिसके जैसा जी में आए वो वैसा करे, ये कुकर मेरे तो समझ से पड़े है। ऐसा कहते हुए सुषमा गुस्से में कमरे से चली जाती है और फिर देखते ही देखते सीमा करिश्मा की शादी को एक महीना गुजर जाता है। एक दिन नाश्ते के वक्त सुषमा दोनों सीमा करिश्मा के कमरे से सारा सामान पैक करके ले आती है। माँ जी, ये सारा सामान? माँ ये सब क्या है? अपनी अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती घूंघट में आई इन दो मॉडर्न बहुओं को। ठीक है माँ, हम चले जाएंगे, पर उसके पहले आप ये पर्ची देख लीजिए। ऐसा कहते हुए जितेश सुषमा के हाथ में एक पर्ची थमा देता है, जिसे देख सुषमा हैरान हो जाती है। ये तो बाबूजी की रिपोर्ट है, बाबूजी को हार्ट की बीमारी थी। पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था।
पर हमें सीमा और करिश्मा भाभी ने सब कुछ बता दिया था। हम दोनों को हमारे पहले रसोई वाले दिन ही ये रिपोर्ट मिल गई थी, पर हम दोनों ने इसे छुपा दिया था ताकि माँ बाबूजी आप दोनों के टेंशन लेने की वजह से कहीं बाबूजी की हालत और ना बिगड़ जाए। और अच्छी बात ये थी कि इस बीमारी के बारे में हमें फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया था, इसीलिए हम दोनों पहले रसोई वाले दिन असमंजस में थे कि आखिर ऐसा क्या बना है जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। फिर हम दोनों ने बिल्कुल कम घी में शुगर फ्री सूजी का हलवा बनाया। हम दोनों बहुत छोटी थी जब ऐसे ही हार्ट की बीमारी की वजह से हमने अपने पापा को खो दिया था, इसलिए हम दोनों ने MBBS की पढ़ाई की और अब हम दोबारा अपने बाबूजी को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए ही हम दोनों इनके साथ सोने लगी। रात में दवाइयाँ और इंजेक्शन देती और इनकी देखभाल करती थी। जीतू की माँ और ये देख रही हो? जीतू के बाबूजी, ये तो कैक्टस का पौधा था ना, पर मेरी इन दो मॉडर्न बेटियों ने इस कैक्टस के पौधे के बीच में भी फूल उगाकर मेरे लिए एक नया उदाहरण सिद्ध कर दिखाया है कि अगर मन में चाह हो तो हम कैक्टस रूपी बीमारी से लड़कर अपने जीवन में भी एक नया फूल खिला सकते हैं। हम दोनों जानते हैं कि हमें साड़ी पहननी नहीं आती, पर जींस टॉप पहनकर भी हमें बड़ों का आदर करना बाखूबी आता है। हम किन कपड़ों में हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम अपनी मर्यादाओं में है या नहीं, और किसी के कपड़े या उनका पहनावा से उनके चरित्र का चित्रण नहीं होते। फिर सुषमा को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वो सीमा और करिश्मा दोनों से माफी मांगकर उन्हें दिल से अपना लेती है। माँ, मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं और तेरे पिताजी भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन माँ देखिए, मुझे और साक्षी को अकेले रहना है। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बेटा, समझ गए कि तू बड़ा हो गया है। जा बेटा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तरुण और साक्षी अपना सामान लेकर वहां से जा रहे होते हैं। पल्लवी और शंकर आंख में आंसू लिए अपने बेटे बहू को अलविदा करते हैं। तरुण और साक्षी अपने नए घर पहुंच गए। वाओ, कितना बड़ा घर है। हाँ, मेरा ऑफिस बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मैं सही बताऊँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। लेकिन हटाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों फ्रेश होते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। इसके बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन तरुण ऑफिस जाता है और साक्षी अपना घर का काम कर रही थी। उसी समय उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। साक्षी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। जी, आप कौन? मेरा नाम मैडी है, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ और मैं यहाँ पर LLB की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आपके बगल में ही रूम लेकर रहती हूँ। आइए, अंदर आकर बैठिए। साक्षी उसे अंदर बैठाती है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं झांसी में रहती हूँ और यहाँ पर मेरे भाई के दोस्त अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन मुझे उनके घर में रहना सही नहीं लगता। बिल्कुल सही किया तुमने, हर दिन किसी के घर में रहोगे तो तुम्हारी इज्जत भी कम होगी और पढ़ाई अच्छी चल रही है। ऐसे ही बात करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। मैडी अक्सर साक्षी के घर आया जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और संडे आ गया। तरुण बाथरूम में नहा रहा था, उसी समय मैंडी उसके घर आती है। साक्षी और मैंडी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और तभी तरुण बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी और भीगा शरीर देखकर मैंडी अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसे लगातार घूरे जा रही थी।